अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपको चना दाल और चिकन का पुलाव बनाना बताती हूँ। ये बहुत मज़े का रहता है और बहुत सिंपल मसाले के साथ में और बहुत टेस्टी बनता है। अच्छी लगे रेसिपी तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड और फैमिली में मेरा वीडियो शेयर करें। बेल आइकन को दबाएँ चैनल को सब्सक्राइब करके, कि जिससे आपको मेरा रोज़ नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसी तरीके से अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल कुकिंग विद फरजाना को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आइए मैं दिखाती हूँ किस तरीके से बनता है ये चना दाल चिकन पुलाव की रेसिपी। इसके साथ में मैंने एक बूंदी का रायता बनाई हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग। कैसी लगी रेसिपी आइए देखते हैं। चले आए, देखें मैंने कुकर रख दी हूँ और कुकर के अंदर मैंने ऑयल वगैरह डाल दी हूँ। ऑयल भी गर्म हो चुका है। इसके अंदर जो मैंने आपको मसाले बताई थी, ये सारे मैंने मसाले डाल दी हूँ। इसी के साथ में प्याज और कड़ी पत्ता है, ये भी डाल देंगे हम। प्याज डाल दी यहाँ पे। देखिए मैंने एक बड़ी वाली मिर्ची ली जिसको मैं इस तरीके से कट करके चार पीस डाल दूँगी। ये मिर्ची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ये पुलाव में, आप लोग भी ज़रूर यूज़ करना। ये तीखी नहीं होती है लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये एकदम सिंपल सा है। देख रहे हैं आप लोग, कोई ज़्यादा मसाले नहीं है लेकिन पुलाव बहुत टेस्टी बनता है। ज़रूर ट्राई करिएगा एक टाइम। अच्छा देखें यहाँ पे प्याज हो गई है, मैं इसमें डाल दूँगी चिकन। प्याज को जलाने का नहीं है ज़्यादा। अब ये टमाटर रखी ये डालूँगी, जो मैंने अभी हमाम दस्ते में आपको मसाला बताई ना, वो मैं सब इसमें डाल दूँगी साफ करके अच्छे से। देखिए इस तरीके से ये दरदरा सा मसाला ये पुलाव में बहुत अच्छा टेस्ट देगा और फ्रेश मसाले की बात ही अलग होगी। इसको हम भूनेंगे थोड़ा। और ये हमेशा की तरह मेरा मैगी क्यूब, एक वेजिटेबल। अभी ये जो मैंने देखे अच्छा मैंने अभी ना ये देखे ये जो मैंने मसाला लिया ना, तो ये किचन किंग मसाला है, आपको मिल जाएगा ग्रोसरी में आपके इधर। कोई भी ब्रांड का आपके यहाँ जो भी मिला किचन किंग मसाला आप ले सकते हैं, वो मैंने ली है। इसमें मैं डाल दूँगी चना दाल जो हमने भिगा के रखे थे। माशाल्लाह डाल मैंने भी, इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। देखिए अब प्यारा दिख रहा है और खुशबू भी बहुत बेहतरीन आ रही है माशाल्लाह। इसके अंदर मैं अभी थोड़ा दूध का इस्तेमाल करूँगी, थोड़ा दूध मैं बाद में डालूँगी जब राइस हम डालेंगे। ये बहुत क्रीमी सा पुलाव टेक्सचर आता है खाने में, ज़रूर ट्राई करिएगा एक टाइम आप लोग। माशाल्लाह कैसे भून रहा है ये। साइड में मैंने गरम पानी रखी हूँ इसमें डालने के लिए, आप कभी भी गरम पानी का यूज़ करें, ठंडे पानी का यूज़ ना करें। अच्छे तरीके से भून गया है, मैंने पानी गैस पे रखी हूँ वो बाजू में, मैं इसके अंदर डाल देती हूँ गरम पानी का इस्तेमाल करूँगी, ठंडे पानी का नहीं करूँगी। और पानी आप अपने हिसाब से देख के डालें, मुझे तो अंदाज़ा है तो मैं अपने हिसाब से देख के डालूँगी। मैं हमेशा अंदाजे से ही डालती हूँ, ग्लास वगैरह से माप से नहीं डालती हूँ, परफेक्ट हो जाता है अंदाज़ा मेरा बराबर। ये देखें और आप लोगों को बताने। अच्छा देखिए पानी पक गया है, आइए मैं अभी इसके अंदर राइस डाल देती हूँ और कोथमीर कट के डाल के, और इसको अभी मैं दो सीटी लगा लेती हूँ। पानी में बॉयल आ गए हैं, कोथमीर कट करके डाल देती हूँ इसके अंदर। स्लो कर दी थी, पक रहा था पानी मैं बोली। और इसके अंदर अभी देखें ये केवड़ा एसेंस है, ये डालेंगे हम केवड़ा वाटर, केवड़ा एसेंस जो भी हो
और यहाँ से दो हरी मिर्ची मैंने बीच में से कट कर ली हूँ, ये अब मैं डालूंगी इसके अंदर और डाल दूंगी चावल। ये राइस डाल देंगे, ये पानी एकदम परफेक्ट हो जाएगा इतना। नमक चेक करेंगे, नमक मुझे डालना पड़ेगा क्योंकि हमने मसाले के हिसाब से नमक डाले थे, अब राइस के हिसाब से नमक को यूज़ करना पड़ेगा। ये देखिए, ये आपको लग रहा है ना, लेकिन ये पानी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। मैं नमक का यूज़ करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे मैंने जो दूध बचा के रखी थी मिल्क, उसका मैं इस्तेमाल करूँगी। इसको मैं सीटी लगा देती हूँ, इसको दो सीटी लूँगी और गैस को मैं बंद कर दूँगी। तीसरी सीटी आएगी तो मैं गैस को बंद कर दूँगी। ये देख लेते हैं, माशाल्लाह देखें आप लोग। और कभी भी गरम चावल में ना पूरा चम्मच नहीं मिला, ये पीछे की जो डंडी है ना, इस तरीके से आपको इसमें चमची चलाना है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त हो गया है, मैं भी आपको ये निकाल के दिखाती हूँ। और चना दाल वगैरह भी देखें, ये एकदम गल जैसा राइस में गलना चाहिए उस तरीके से गल चुकी है। आइए मैं इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें आज की मेरी रेसिपी बनके रेडी हो गई है, मज़े की चिकन चना दाल पुलाव। उसके साथ में मज़े का बूंदी का रायता मैंने बनाई हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बूंदी का रायता किस तरीके से बनाती हूँ तो कमेंट करिएगा, मैं आपको बनाना बताऊँगी। ये पुलाव के साथ में बहुत अच्छा लगता है, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार अब तक का जैसा मेरे साथ में बनाए, आगे भी आपका प्यार और सपोर्ट मेरे साथ में बनाए रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक ऐसी रेसिपी के साथ में कल मिलती हूँ आपसे। आपकी दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें।